अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, मैं आप सबको बताता हूँ कि कैसे आपको जाना है। तो ये जाहिर सी बात है कि इंडिया के बड़े बड़े शहर से जम्मू के लिए, आप तो जानते हैं कि जम्मू जो है अपना जम्मू कश्मीर में, जम्मू एक सिटी है जो कि आप जम्मू के लिए बहुत ही मतलब बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट मतलब बस से भी आप जा सकते हो, ऐसी कोई है नहीं। तो मतलब बड़े बड़े शहर से वहाँ के लिए ट्रेन भी चलता है, तो आप जम्मू तक जा सकते हो। और जम्मू जाने के बाद आपको फिर वहाँ से जाना होगा कटरा के लिए, ठीक है। तो कटरा के लिए भी हमारे पास तीन तीन ऑप्शन है जो कि आप मतलब प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हो, ऐसे बस से भी जा सकते हो, या फिर भाई ट्रेन से भी जा सकते हो। ट्रेन वाले भी ऑप्शन है, क्योंकि पहले नहीं थे ये, 2015-16 से राउंड अपने ट्रेन भी चालू हो गए, तो आप कटरा तक मतलब ट्रेन से भी जा सकते हो। आप कटरा पहुंच गए हो तो समझ लो माँ वैष्णो देवी आप पहुंच गए हो। अब आपकी जर्नी वहां से स्टार्ट होती है चढ़ाई के लिए। गाइज आप कटरा पहुंच जाने के बाद आपको मतलब ऑप्शन, दो तीन ऑप्शन आते हैं जो कि आप अगर डायरेक्ट आप अगर चढ़ाई स्टार्ट करना चाहो तो आप चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप होटल लेकर के मतलब जो दूर दूर से जो लोग जाते हैं मतलब कुछ लैगेज उनके पास होते हैं जो कि वो लैगेज लेकर आप मतलब पहाड़ों पे चढ़ नहीं सकते, तो इस वजह से करके कुछ लोग वो होटल ले लेते हैं, ठीक है। होटल लेने का फायदा ये है, आप मतलब लैगेज वगैरह जो भी भारी चीज़ है आप वो होटल में रख सकते हैं, उसके बाद जो भी आपका छोटे मोटे जो भी लैगेज है जो आप मतलब कैरी कर सकते हो वो चीज़ को आप लेकर ऊपर की ओर जा सकते हो, ठीक है, आप चढ़ाई कर सकते हो। तो गाइज आपका यात्रा अब स्टार्ट होता है कटरा से, आप मतलब होटल वगैरह आप लेकर रह सकते हो, तो आपको बता ही दिया। और उसके बाद आपकी चढ़ाई फिर स्टार्ट होती है, जो कि आप चढ़ाई जब स्टार्ट करोगे तो आपको वहाँ पे दो तीन तरह के साधन मिल जाएंगे, आप पैदल भी जा सकते हो, ठीक है। वहाँ से राउंड मतलब 12-13 किलोमीटर का चढ़ाई है, जो कि मतलब काफ़ी है, आप जा सकते हो। ऐसे मतलब घोड़े की भी सुविधा है, पालकी का भी सुविधा है, आप जा सकते हो उससे भी। तो आप फाइनली अगर उससे आप जाओगे, ऐसे भी अगर आप पैदल यात्रा करके जाते हो तो मतलब आधे रास्ते जाने के बाद कुवारी से फिर आपकी वहाँ से फिर गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाती है। पहले नहीं चलता था बट इधर इधर भी उसको सुविधा को चालू कर दिया गया जो कि आप वहाँ से जा सकते हो। वो आपको डायरेक्ट मतलब माता वैष्णो देवी मंदिर तक मतलब वहाँ तक लेकर जाती है गाड़ी। तो आप वहाँ पे जाने के बाद फिर आप दर्शन वगैरह कर सकते हो। फिर आपको वहाँ से भी नया नया मतलब साल दो साल हुए अराउंड मतलब स्टार्ट हुए भैरवनाथ के लिए, फिर वहाँ से भैरवनाथ के लिए लोग चढ़ाई करके भी जाते हैं, ऐसे कुछ लोग वहाँ से भी मतलब घोड़े के भी सुविधा है। और ऐसे मतलब रोपवे भी अब स्टार्ट हो गए, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना रोपवे से जाते हैं, क्योंकि वो रोपवे का मतलब जो टिकट प्राइस है वो पर पर्सन मतलब 100 रुपया है, 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप उससे भी जा सकते हो, 3 मिनट जाने में लगते हैं, 3 मिनट आने में मतलब आने जाने दोनों का मतलब आप जा दोनों का टिकट मिल जाता है, 100 रुपया में ही हो जाता है अपना। तो आप उससे भी जा सकते हो, और तब तक के लिए आप वीडियो इंजॉय करो जो मैं मतलब वीडियो बनाया हूँ वहाँ का, तो आप वीडियो इंजॉय।
गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ भाई को सपोर्ट करें यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई। तो ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।